मैं इस वक्त रामपुर के बिलासपुर में हूँ और जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ ये वन विभाग का जो है दायरे में आता है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये पेड़ दिखाएं किस तरीके से यहाँ सरकारी पेड़ हैं और एक निर्माण करने को लेकर कुछ पेड़ यहाँ से निकाले गए हैं। देखिए जड़ है, सामने से मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं जड़ किस तरीके से जो है पेड़ काटने के बाद जड़ को निकाल दिया गया है। एक पेड़ यहाँ से निकाला है, कई सरकारी पेड़ों को नुकसान पहुँचाया गया है और कोई परमिशन नहीं ली गई है। यहाँ से रास्ता बनाने को लेकर ये रास्ता बनाया गया है साथ में, और यहाँ पेड़ थे सरकारी, उन पेड़ों को ख़त्म करके उनको काट के निकाला गया है। सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई है। देखिए जेसीबी से यहाँ से इस गड्ढे में आप नज़र डालें, जेसीबी से जड़ को निकाला गया है ताकि सबूत ख़त्म करा जाए। वन विभाग का जो कर्मचारी है वो मिला हुआ है, उसकी जो है मिली भगत के चलते जो है यहाँ से ऐसे सरकारी पेड़ों को अवैध कटान किया गया। हालांकि ये देखिए ये यहाँ पर निर्माण चल रहा है, निर्माण होने की वजह से रास्ता बनाया, रास्ते बनाने की वजह से कई सारे सरकारी पेड़ काट दिए गए हैं। तो कौन जवाब देगा? जिन वन रक्षकों को इसकी सुरक्षा करने की जो है जिम्मेदारी दी जाती है वही जो है ऐसे पेड़ों को कटवाए जा रहे हैं। लाइन से सारे जो सरकारी पेड़ हैं वो काटे गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन से कई सारे पेड़ काट कर रास्ता बनाया गया। ये जिस जगह में खड़ा हूँ ये रास्ता बनाया गया है। कुल मिला के वन विभाग खामोश है, कोई लीगल कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफ़ान अहमद, क्यू टी वी, भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।